नमस्कार। कल अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमें एक चुनाव प्रचार करता हुआ एक अनोखा प्रत्याशी मिला। उस प्रत्याशी का नाम है सवाईनाथ सपेरा। सपेरा शब्द आते ही आप समझ गए होंगे कि सवाईनाथ सपेरा के पूर्वज सालों से सांप पकड़ते थे और उनका जहर निकालते थे और ये लोग घर घर जाकर के अलग जगाते थे। सवाईनाथ सपेरा लोगों में प्रचार कर रहे थे और जब हमारी उनसे बात हुई तो हमें वो बताने लगे कि साहब समाज के अंदर बहुत ज़्यादा जहर फैल गया है। मेरे पूर्वज जो है सांपों का जहर निकालते थे और मैं विधानसभा में पहुंच करके ये जो समाज के अंदर जहर घुल गया, सामाजिक सौहार्द जो बिगड़ गया, उसको दूर करूँगा। मतलब कभी वो सांपों का जहर निकालने वाला व्यक्ति आज समाज के अंदर जहर निकालने की बात कर रहा है। सवाईनाथ सपेरा SC शेड्यूल कास्ट से आते हैं, आरक्षित वर्ग से हैं, उसके बावजूद वो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था से खुश नहीं है और जो एस्ट्रोसिटी एक्ट है उसके भी वो पूरी खिलाफत कर रहे हैं। और यही कारण है कि उन्होंने समता मिशन 59 को बाकायदा बॉन्ड भर करके, एक बॉन्ड के ऊपर उन्होंने लिख करके दिया है, एफिडेविट दिया है कि मैं वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ लड़ूंगा और एस्ट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ लड़ूंगा और समता मिशन मंडल जैसा काम करवाएगा विधानसभा में पहुंचने के बाद मैं वैसा ही काम करूंगा, अपनी मर्जी से कुछ कोई काम नहीं करूंगा। तो पेश है सवाईनाथ सपेरा के साथ आपकी बातचीत। एक बार फिर मैं बता देता हूं कि सवाईनाथ सपेरा भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह है खाट। सुनिए सवाईनाथ सपेरा क्या कहते हैं, उनके विचार जानिए। सवाईनाथ जी, ये बताइए कि समता मिशन आंदोलन का तो ये है कि भाई ये आरक्षण के खिलाफ है, आप तो आरक्षण आपको तो मिला हुआ है, तो आप इस इनकी टिकट पे चुनाव लड़ने के पीछे आपका क्या कारण है? देखो, आरक्षण की बात है, आरक्षण खत्म करने की बात कहाँ हो रही है, क्रिमिनल की बात हो रही है। जो आज आरक्षण है गरीब को तो मिल ही नहीं रहा है, आरक्षण गरीब तक तो पहुंच ही नहीं रहा है। आज 5% ही लोग इसका फ़ायदा ले रहे हैं, बाकी 95% तो हम गाँवों में यूँ ही पड़े हुए हैं, गरीब गरीब जिंदगी जी रहा है। तो आपके हिसाब से ये है कि आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए लड़ रहे हैं, ये खत्म करने के लिए नहीं लड़ रहे? जो जिसको आरक्षण मिल चुका है तो दूसरे का भी नंबर आए, या ना थोड़ी एक आदमी रोटी खाता उसका पेट भर जाए तो दूसरे का भी तो नंबर आए, वो भूखा बैठा उसका भी तो नंबर आना चाहिए। तो वर्तमान में जो आरक्षण की जो व्यवस्था है ये आपके हिसाब से सही नहीं है? जी बिल्कुल सही नहीं है ये। आज जो गरीब आदमी है वो पीछे है, आज एक कलेक्टर बन जाता है उसका बेटा कलेक्टर बनता है, उसका पोता कलेक्टर बनता है, उसका परपोता कलेक्टर बनता है, दर पे दर पीढ़ियाँ उन्हीं के साथ चला रहा है, तो फिर हम गरीबों का नंबर कब आएगा? तो आपका कहने का मतलब है कि वर्तमान में जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो सही नहीं है, वो उसके अंदर आप क्रीमिलेयर चाहते हैं ताकि वंचित जो लोग हैं आपको उनको मिल जाए, अदरवाइज जो कलेक्टर एक बार बन गया उसके बेटे या जो जिनको आरक्षण मिल गया वो इसका फायदा उठा रहे हैं, आम दलित को नहीं मिल रहा। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी तक आपके जितने ही दलित नेता हैं वो जब भी संसद में बात चलती है या भाषण देते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं जी हमारे ऊपर ये जिनको उन्होंने एक नया नाम दे रखा है सामान्य वर्ग को, स्वर्ण जाति के लोग, हालांकि स्वर्ण जाति कोई है नहीं लेकिन उन्होंने एक नाम दे रखा है कि स्वर्ण जाति के लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते थे। तो आप तो गाँव के अंदर घूमते हैं सारे, आपको हर जाति के अंदर, चाहे वो सामान्य वर्ग की कोई भी जाति हो, आप उनके अंदर घूमते रहते हैं, तो आपके साथ उन जातियों का कैसा व्यवहार होता है? देखो, आज हम नाथ हैं सपेरा समाज से में और SC में आते हैं, आज हमें कोई BJP कांग्रेस ने नहीं पाड़ा है, हमें किसान ने आप लोगों ने पाड़ा है, हमारे कोई ज़मीन जायदाद नहीं होती, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, हम अलग जगह के अपना टाइम पास किया है, हमारे बड़े बुजुर्ग कौन 7 पीढ़ियों से, हम जाट के घर भी अलग जगह आते हैं, गुजरे के भी अलग जगह आते हैं, बनिए के भी जगह आते हैं, ब्राह्मण के भी, राजपूत के भी, आज तक हमसे तो किसी ने छुआछूत नहीं किया, जिसके दरवाजे पर अलग जगह ही हमने, किसी ने हमको राबड़ी पिलाई है, किसी ने दाना दिया है, किसी ने पैसा दिया, किसी ने कपड़ा दिया, आज तक हमसे किसी ने छुआछूत ही नहीं किया, हमारा एक भी केस नहीं आएगा सपेरा समाज का। तो आपके हिसाब से ये है कि ये सब नेता लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए झूठ बोलते हैं? देखो, झूठ भी बोलते हैं और रही बात इसकी जांच कर लो ना, फिर दिक्कत कहाँ आती है, बिगैर जांच गिरफ्तारी होना, आज मैं किसी से कर्जा ले लूँ उसका दो नहीं,
और फिर कर्जे का देने का वक्त आए तो मैं उसको एससी एसटी का केस लगा दूँ। ये कौन सा कानून, उसकी जांच तो करो कि सवाईनाथ जी ने पैसे लिया उसका दे नहीं रहा है, और जब जब देने का नंबर आए तो किसी का एससी एसटी केस लगा दे। और जो राजाओं का राज था, जिसको राजतंत्र बोलते थे, राज प्रजातंत्र है, राजाओं का राज था, जब भी राजा किसी को सजा होती थी उस पीरियड में, तो वो भी ग्राउंड में उसकी सजा जब दी जाती थी उससे पूछा जाता क्या जुर्म किया है। अब इसमें बिगर जुर्म ही अंदर डालने का काम है, ना कोई जांच है, ना कोई गिरफ्तारी, अंदर डाल दो डायरेक्ट। ये कौन सा कानून है? तो आप एक तरह से एस्ट्रोसिटी, वर्तमान में जो एस्ट्रोसिटी एक्ट है, आप उसके भी खिलाफ हैं। आपके हिसाब से उसके अंदर पहले जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होने से पहले जांच होनी चाहिए उसके बारे में। धन्यवाद सपेरा साहब।